आज जनपद इटावा में थाना फ्रेंड्स कॉलोनी अंतर्गत भरथना चौराहे पे कुछ लोगों द्वारा मार्ग अवरुद्ध करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे तत्काल स्थानीय पुलिस एवं अन्य थाने की फोर्स पहुंची। क्षेत्राधिकारी नगर एवं SDM सदर द्वारा भी मौके पे पहुंच के लोगों से बात किया गया एवं समझा बुझा कर वहाँ से मार्ग को खुलवा दिया गया था। इसी बीच कुछ युवक एवं अराजक तत्व निकट के नेशनल हाईवे पर चले गए और वहाँ भी उन्होंने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया। तत्काल SDM सदर एवं CO सिटी एवं समस्त पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची। यद्यपि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए नेशनल हाईवे को खुलवा दिया, यातायात सामान्य रहा। बाद में पीड़ित परिवार से वार्ता की गई। उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि विवेचना सही साक्ष्यों के आधार पर और समस्त तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हुए शुचिता के साथ सुनिश्चित कराया जाएगा। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है, सब कुछ सामान्य है। किसी अधिकारी द्वारा, किसी भी पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई भी किसी के साथ मिसबिहेव या चीज़ें नहीं की गई हैं। इसी क्रम में चूँकि पूरी घटना की रिकॉर्डिंग भी है, तो जिसके आधार पर अराजक तत्वों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। क्या नाम है आपका? अंकुश कुशवा। अंकुश, आज यहाँ रोड जाम किए बैठे हो, क्या मामला है? इसलिए रोड जाम करे बैठा हूँ कि पुलिस प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। लड़की का मर्डर कर दिया गया और जो हत्यारा है वो बाहर घूम रहा है, तो आज एक महीना हो गया है। तो पुलिस प्रशासन, यहाँ तक के SSP भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अनार बैठ के खाते हैं। SSP अनार मतलब ऑफिस में अनार खा रहे थे, उस दिन मेरी मौसी गई तो भगा दिया, जाइए आप। तो इसलिए मैंने धरना रखा है, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता और बिल्डोजर नहीं चल जाता उस घर पे, तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, भूखे मरेंगे। ठीक है, ज्यादा होगा तो हम पेट्रोल डाल लेंगे, आग लगा लेंगे, फिर देखेंगे तुम्हारा। पुलिस प्रशासन,